दोस्तों मालती चौहान ने फांसी लगा लिया। देख सकते हैं घर पर इतना सारा भीड़ आ गया है, पूरा गांव के लोग जुट गए हैं क्योंकि सुबह सुबह का समय है, क्योंकि बहुत दूर से लोग अभी आ नहीं पाए हैं, किसी को पता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मालती चौहान जी को पुलिस प्रशासन लेकर के जा रही है पोस्टमार्टम के लिए। आप देख सकते हैं मालती चौहान जी को पुलिस प्रशासन लेकर के जा रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं दुनिया में इतना धमाल मचाई है मालती चौहान की। आप देख सकते हैं विष्णुराज और मालती चौहान का जोड़ी। आप देख सकते हैं दोस्तों मालती चौहान जी का इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि मालती चौहान को लेकर के प्रशासन पुलिस लेकर के जा रही है पोस्टमार्टम के लिए। और यहाँ पे विष्णुराज भी आसपास चली 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 लगातार वो बने थे यहाँ पे। और देखिए थाने में सब लोग जा रहे हैं। इसके बाद देखिए मैं लाद लिया गया, देखिए आप पिकअप में रखे हैं मालती चौहान। तो आप देखिए दोस्तों मालती चौहान को लेकर के जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की आखिर फांसी खुद से लगाया है या कैसे उनका हत्या हुआ है, हत्या किया गया है, क्या कुछ रहेगा उनके जो एक रास्ता बचा के जो पिताजी थे वो लगातार विष्णुराज पर लगा रहे थे, ब्लेम लगा रहे थे कि मतलब इन्होंने ही जान से मारा है। लेकिन सच कहें तो पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें सामने निकल करके आ जाएगी कि उनकी हत्या की गई या कैसे। तस्वीर आप देख सकते हैं, सीओ साहब स्वयं इस मामलों का संज्ञान ले रहे हैं और यहाँ पर आए हैं जांच के लिए। सर जो है कि इस मामलों के किस एंगल से आप देख रहे हैं? ये बताया जा रहा कि मालती चौहान है, ये कल ही अपने मायके से यहाँ पे आई अपने पत्नी विष्णुराज के साथ जी। और सुबह इनकी सूचना आई कि इनकी मौत हो गई है, जिस सूचना पर फोरेंसिक टीम को यहाँ मौके पर बुलाया गया, पूरी जाँच पड़ताल की गई है। मालती के पिता तहरीर दे रहे हैं थाने में, उसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी पूरे प्रकरण में। जी जी जी। किसके खिलाफ दिए हैं उसमें? उसके पति विष्णु राज के खिलाफ दिए उन्होंने जी जी जी। हाँ, कि उसके हत्या कर देने का आरोप लगाया जी है जी। इसके पहले अर्जुन से उन्होंने शादी कराई थी, तो क्या सर जी कोई और भी जो है आप लोगों के पास रिपोर्ट गई थी इसके पहले? नहीं, इसके पहले और पुलिस को छानबीन की जा रही कि आप पहले कोई शिकायत पति पत्नी में कोई विवाद हुआ था क्या? यहाँ आने पे पता चल रहा है इनके बीच मनमुटाव जरूर था जी जी जी। नहीं, समझौता भी सर हुआ जिस मामले में अर्जुन और मालती से शादी का मामला सर सामने आया था, फिर आप आपस में समझौता भी ये लोग कर लिए, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि रात में ये सब? तो जाँच के बाद पता चलेगा सारी चीज़ें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए और हमारी जाँच भी चल रही है, जाँच के बाद पूरे तथ्यों से मैं अवगत करा पाऊंगा। विष्णुराज ने अपनी पत्नी की शादी 12 बजे रात को मंदिर में करवाई थी, ये मामला करीब चल रहा। अब इस चीज़ों को तो अभी पता नहीं है पुलिस को, आप चूंकि आप बता रहे हैं तो इस तथ्य पे भी जानकारी की जाएगी और विवेचना में समाहित किया जाएगा। जो चर्चा है अधिकार देता है कि कोई अपनी पत्नी की शादी दूसरे मर्द से बगैर किसी को खबर के प्रशासन बिना तलाक की कोई भी शादी दूसरी शादी अवैध होती है, कानूनी मान्यता उसकी नहीं होती है।